हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानेंगे। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है और अगर नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लीजिए। उसमें मैंने पांच कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स के इंटरेस्टिंग बारे में बताया है कि आप कैसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। उसी से ये वीडियो थोड़ी कनेक्टेड है। मुझे आज एक लेटेस्ट अपडेट मिली है कि कौन और भी नए अच्छे म्यूचुअल फंड्स आए हैं जिसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके एक बहुत अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। क्योंकि मैं भी इन्वेस्टमेंट शुरू करने वाली हूँ, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ आप भी उसका बेनिफिट उठाएं। तो चलिए जानते हैं कौन से वो तीन म्यूचुअल फंड्स हैं। नंबर वन है निपॉन इंडिया फार्मा फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये काफ़ी अच्छा है, इसमें हमें रिटर्न मिलेगा 14.1%। और जैसे मैंने बताया कि हम SIP करते हैं म्यूचुअल फंड में, इन्वेस्टमेंट दो टाइप के होते हैं, एक वन टाइम होते हैं, एक मंथली होते हैं। अगर आप इसमें मंथली करना चाहते हैं तो 500 रुपीज़ लगेंगे, अगर आप वन टाइम करना चाहते हैं तो 5000 रुपीज़ मिनिमम से शुरू होंगे। जो नेक्स्ट है हमारे लिस्ट में वो है ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप इक्विटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये भी काफ़ी अच्छा है, इसमें हमें रिटर्न मिलेगा 17.9%। और इसमें अगर आप वन टाइम करते हैं तो 5000 रुपीज़ मिनिमम, और अगर मंथली करते हैं तो 500 रुपीज़। और जो मुझे काफ़ी पसंद है, जिस पे मैं इन्वेस्ट करना शुरू करना जा रही हूँ और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, वो है टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये आपको रिटर्न देगा 20.3%। इसमें भी अगर आप वन टाइम शुरू करना चाहते हैं तो 5000 रुपीज़, और अगर मंथली शुरू करना चाहते हैं तो 500 रुपीज़। मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी और एडवाइस करूंगी कि आप इसके बेनिफिट्स लीजिए और मिनिमम इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए ताकि आप अच्छा रिटर्न पा सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक छोटा सा थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑफकोर्स हिट कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिले आपको। और कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर सॉर्ट आउट करूंगी। थैंक यू।